अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो कभी की सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है और कुछ कोर्सेज की मेरिट लिस्ट पेंडिंग है, जैसे कि बीफोर मैसी की काउंसलिंग पेंडिंग है, बीएससी नर्सिंग की सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है, और 12th बेस और 10th बेस पैरामेडिकल JKC ET की मेरिट लिस्ट जो है वो पेंडिंग है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी वर्ल्ड में जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों का कोई भी इशू हो ऐसे JK के स्टूडेंट एसोसिएशन ही देखती है, और उनकी तरफ से एक जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जो भेजा गया है चेयरमैन JK बोपी रॉजर कुमार गोयल सर को। और आप इस नोटिस को पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो लेटर JK जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया है, ये आज फॉरवर्ड किया जाएगा JK बोपी ऑफिस में। और इसमें ये क्लियर किया गया है कि बीएससी नर्सिंग की जो सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है उसके साथ जो काउंसलिंग पेंडिंग है और जो मेरिट लिस्ट पेंडिंग है, और जैसे कि नीट पीजी में जो कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, इसमें ये क्लियर किया गया है कि उन सब इश्यूज को देखा जाए और उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और 12th बेस और 10th बेस की जो मेरिट लिस्ट है उसको रिलीज़ किया जाए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो कुछ दिन पहले नोटिस निकाला गया था कि 31st ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट है बीएससी नर्सिंग एडमिशन, और इससे ही हमें पता चलता है कि जो बीएससी नर्सिंग की पेंडिंग है सिलेक्शन लिस्ट वो 31st ऑफ अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगी। और आज आज मंडे है और आज राजकुमार गोयल सर अपना चार्ज संभालेंगे। देन उसके बाद सबसे पहले तो हमें जो इश्यू देखना है वो नीट पीजी स्टूडेंट्स का है, और उसके 5 या 10 दिन तो लग ही जाएंगे 10th और 12th बेस मेरिट लिस्ट को आने में। आपने इतना पहले सब्र किया है 3 से 4 मंथ, और अब आप ज़्यादा नहीं तो 5 और 10 दिन और वेट कर लो, और 5-10 दिन के अंदर पक्का आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी, और बिफोर बीएससी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बोलो कि आज मेरिट लिस्ट आ जाए तो दूसरे दिन काउंसलिंग शुरू हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो इतना समय जो काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट डिले रही, इतना टाइम लिया, उसकी बस एक ही इशू था कि JK बोपी का चेयरमैन नहीं थे, वो सीट वहाँ पे खाली थी। अभी 2 दिन हुए हैं राजकुमार गोयल सर अपॉइंट हुए हैं, उनने चार्ज संभालना है। आज आज मंडे है तो आज वो अपना चार्ज जो है वो संभालेंगे। और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग बीवो बीएससी या JK बोपी की कोई भी अपडेट आती है वो हम सबसे पहले आपको शेयर करेंगे। आप चाहें तो हमें इंस्टा पर JK बोपी वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी आप ज्वाइन करो ना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।